तो अगर हम बात करें खाने पीने के खर्चे का, तो यहाँ पे दो तरीके से लोग रहते हैं। एक वो होते हैं कि जो कि दिन भर, ये सारी न्यू बिल्डिंग की फ्लैट है, इसके अगर रेंट की बात करें वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो के लिए हमें इतने सारे रिक्वेस्ट आए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर हम डीएम की बात करें, कमेंट सेक्शन की बात करें, या फिर कॉल की बात करें, 10 में से 9 लोगों ने इस क्वेश्चन के बारे में बहुत बार पूछा है। तो मैं सोचा हूँ कि आज क्यों ना हम इस टॉपिक के ऊपर बात करें। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है आज तक हमारे चैनल पर और हमारे सब्सक्राइबर्स के थ्रू, वो ये है कि बैंगलोर में लिविंग कॉस्ट कितना होता है। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बाहर से आते हैं जॉब करने के लिए, स्टडी करने के लिए बैंगलोर जैसे शहर में, और उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस बात का रहता है कि भाई हम बैंगलोर जा रहे हैं, कभी हम वहाँ पर गए नहीं हैं, रहे नहीं हैं, या फिर उनको समझ नहीं आता है कि इस बैंगलोर जैसे शहर में खर्चा कितना आएगा रहने का। तो उससे रिलेटेड हम पूरा बात करने वाले हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर हम बैंगलोर में लिविंग की बात करें तो दो टाइप की लिविंग होती है। एक होती है हम जैसे लोगों की, जो कि अपना आते हैं बैंगलोर में और अपना रेंटल फ्लैट लेते हैं और रहना स्टार्ट करते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो कि बैंगलोर में आए, इंस्टेंट में गए, अपना पीजी लिया, हॉस्टल लिया और रहना स्टार्ट कर दिया, काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये दो टाइप के लिविंग्स होते हैं बैंगलोर में, दोनों के अलग अलग खर्चे होते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो फ्लैट से रिलेटेड बात करने वाले हैं, बिकॉज मैं 2 साल से बैंगलोर में रह रहा हूँ और मुझे इतना एक्सपीरियंस तो हो गया कि बैंगलोर में कम और ज़्यादा मिनिमम हम कितना खर्चा कर सकते हैं, और एवरेज की अगर हम बात करें तो कितना खर्चा हमारा चल रहेगा जिससे कि हम इजीली यहाँ पे खा पी सके, रह सके और अपना काम कर सके। दोस्तों, अगर हम फ्लैट की बात करें तो फ्लैट में दो टाइप के फ्लैट होते हैं, एक होते हैं सेमी फर्निश्ड फ्लैट, दूसरे होते हैं फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट। सेमी फर्निश्ड का रेंट अलग होता है, फुल्ली फर्निश्ड का अलग होता है। सेमी फर्निश्ड का आपको हम अगर एक अप्रोक्सीमेटली मैं अगर रेंज बताऊं, सेमी फर्निश्ड अगर आपको 15,000 में मिल रहा है 1 BHK, तो फुल्ली फर्निश्ड आपको मिनिमम 30,000 से 40,000 में मिलेगा 1 BHK। डायरेक्ट डबल का डिफरेंस आ जाता है फुल्ली फर्निश्ड और सेमी फर्निश्ड में। अब हम आ जाते हैं, हम जैसे लोग जो जनरली यहाँ पर रहते हैं वो सेमी फर्निश्ड फ्लैट ही लेते हैं, उसी में रहते हैं। अब इसके अंदर भी दो टाइप की बिल्डिंग होती है, एक ओल्ड बिल्डिंग होती है जिसका रेंट थोड़ा कम होता है, एक होता है कि न्यू बिल्डिंग जिसका रेंट थोड़ा हाई होता है। अब मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ वो ओल्ड बिल्डिंग है, तो चलिए आपको छोटा सा पहले आपको इसका मैं टूर दे देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ हमारा फ्लैट कैसा है, क्या क्या सेटअप है उसके अंदर, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं कि इसको सेटअप करने में कितना खर्चा आया और यहाँ पे लिविंग कॉस्ट हमारा कितना होता है, पर मंथ कॉस्ट कितना होता है। तो दोस्तों, अगर हम फ्लैट की बात करें तो ये आप देख सकते हो सामने, अगर देखोगे तो ये न्यू बिल्डिंग वाली फ्लैट है और ये हमारा लोकेशन है बैंगलोर BTM लेआउट। ये सारी न्यू बिल्डिंग की फ़्लैट है, इसके अगर रेंट की बात करें तो 25,000-30,000 तक 2 BHK का रेंट जाता है, और हमारा जो फ्लैट है वो ओल्ड बिल्डिंग है। चलिए आपको मैं अपना फ्लैट दिखाता हूँ और उसका सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। तो जैसे ही इंटर करेंगे तो ये हमारा हॉल हो गया, और यहाँ पर हमने अपना छोटा सा ऑफिस हमने अपना बनाया हुआ है। ये आप देख लो, इसके अंदर एक फ़ैन आपको मिल गया, यहाँ यह हमारा बेडरूम है, एक हमने नीचे ही गद्दे लगा करके बेड बना दिए, और ये एक कबर्ड हमें मिल जाता है, और एक फ़ैन और लाइट, ये सारे बिल्डिंग ओनर के तरफ से आपको मिलेंगे। दूसरा बेडरूम की अगर हम बात करें तो दूसरा बेडरूम ये है हमारा, और इसके अंदर भी आप देख लो एक फ़ैन, लाइट, और ये एक आपको कबर्ड मिल गया। तो ये हमारा दूसरा बेडरूम आ गया, जितने भी कर्टेन वगैरह वो हमने खुद ही लगाए हैं, बाकी जितना भी सेटअप है। ये हमारा किचन है, किचन में जितने इक्विपमेंट्स हैं वो सारा कुछ हमने खुद से अरेंज किया है, कुछ भी बिल्डिंग ओनर के साइड से नहीं मिलता है। अगर इस साइड अगर हम बात करें तो ये हमारा वॉशरूम है, सिंगल वॉशरूम वाला, ये 2 BHK फ्लैट है, वॉशिंग मशीन भी हमने खुद ही लिया था। ये वॉशरूम गीज़र के साथ हमें मिलता है, ये कुछ काम हो रहा था, कुछ लीकेज आ गया था इसलिए इसको ठीक किया गया है। तो ये सारा सेटअप है हमारा। अब चलिए इसके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं।
और आपको बताते हैं कितना रेंट है, क्या खर्चा आया और यहाँ पर रहने का क्या खर्चा आता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा पूरा फ्लैट, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और हमारे फ्लैट का जो सेटअप है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले फ्लैट के रेंट की एंड डिपॉजिट की। आपको पता है कि बैंगलोर में जब भी आप फ्लैट लेंगे तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि आपको फॉलो करना ही होता है। सबसे पहला चीज़, जब भी आप बैंगलोर में फ्लैट लेंगे तो आपको मिनिमम 11 मंथ के लिए लेना पड़ेगा, ये यहाँ का रूल है। यहाँ एग्रीमेंट होता है उससे कम में आपको फ्लैट नहीं देते हैं। उसके बाद फिर आपको कुछ डिपॉजिट देना होता है, जैसे कि अगर मैं अपने फ्लैट की बात करूँ, इस टाइप का फ्लैट अगर आज के डेट में आप लेने जाएंगे 2 BHK का ओल्ड बिल्डिंग में, तो आपको 50,000 से 60,000 तक आपको डिपॉजिट लग जाएगा। और रेंट की अगर हम बात करें तो इसका रेंट आपको 13,000 से 15,000 के बीच में आपको लग जाएगा। इसके ऊपर भी कुछ एडिशनल खर्चे होते हैं महीने में रेंट के अलावा, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया। तो इसका अगर हम अप्रोक्सीमेटली अगर हम पकड़ लें तो आपको 15,000 रुपये महीने के आपको खर्चे आएंगे। इसके ऊपर और भी कुछ एडिशनल खर्चे होते हैं, जैसे कि वाईफाई इंटरनेट का खर्चा होता है, वो अगर लगाएंगे तो 1,000 रुपये उसके आप मान करके चले कि खर्चे हो जाएंगे। तो 15,000 से 16,000 रुपये तक आपको पर मंथ आपको मिनिमम लगना ही लगना है हर हाल में, सिर्फ रहने के लिए फ्लैट का। अब उसके बाद फिर आ जाता है, आप इस टाइप का सेमी फर्निश्ड फ्लैट ले लेते हैं तो उसको लिवेबल बनाने में कितना खर्चा आएगा, जैसे कि आपको फ्रिज चाहिए होगा, वॉशिंग मशीन चाहिए होगा, गैस चूल्हा चाहिए होगा, आपको बर्तन चाहिए होंगे रहने के लिए, बेड चाहिए होंगे, इसके बिना तो आप फ्लैट में रह नहीं सकते हैं, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो इसमें आप ये पकड़ के चलो 50,000 तक मिनिमम आपको खर्चा आ जाएगा, जिसमें आपके बेड भी लग जाएंगे, आपका गैस चूल्हा भी आ जाएगा, आपके सारे बर्तन भी आ जाएंगे, फ्रिज भी लग जाएंगे, वॉशिंग मशीन भी लग जाएंगे। फ्रिज आप सेकंड हैंड भी ले सकते हो, न्यू भी ले सकते हो, सेकंड हैंड बहुत ही मुश्किल से मिलता है अच्छा फ्रिज, नहीं तो जनरली मिलता नहीं है जल्दी कोई फ्रिज, और वॉशिंग मशीन सब बेचते नहीं है। अगर सेकंड हैंड शॉप से जाकर के लेते हैं तो उसकी गारंटी नहीं होती, बहुत ही बेकार चीज़ वो देते हैं। तो अच्छा रहे कि आप न्यू ही लो, 10,000, 12,000, 15,000 तक में आपको न्यू फ्रिज और 15,000 तक में न्यू वॉशिंग मशीन आपको मिल जाता है। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं आपको खाने पीने के खर्चे के बारे में। तो अगर हम बात करें खाने पीने के खर्चे का, तो यहाँ पे दो तरीके से लोग रहते हैं। एक वो होते हैं कि जो कि दिन भर काम भी करते हैं, उसके बाद फिर रूम पे आकर के खुद ही खाना बनाते हैं और खाते भी है, तो तीनों टाइम का खाने का अरेंजमेंट खुद ही करते हैं, बाहर से वो कुछ भी लेना देना नहीं रखते, बहुत कम मिनिमम रखते हैं। तो वैसे लोगों का खर्चा जो है मिनिमम आपका आने वाला है महीने का खर्चा 5,000 से 6,000 रुपये पर मंथ। अगर आप 2 BHK फ्लैट में 2 से 3 बंदे रहते हो ग्रुप में तो आपको इतना आएगा 5,000 से 6,000 रुपये। और एक बात इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ओनर जो है 2 BHK फ्लैट में बहुत ज़्यादा लोगों को अलाउ नहीं करते हैं रहने के लिए, जैसे कि अगर आप फैमिली रहते हो तो मैक्सिमम 4 से 5 लोगों को वो अलाउ करेंगे, उससे ज़्यादा लोगों को अलाउ नहीं करेंगे। अगर आप एज ए बैचलर विद फ्रेंड अगर रह रहे हो तो 3 से 4 लोग मैक्सिमम लोग जा सकते हैं, नहीं तो जनरली 2 ही लोग को वो अलाउ करते हैं, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं करते। 2 BHK फ्लैट की मैं बात कर रहा हूँ, 1 BHK में भी 2 लोग मैक्सिमम 3 लोग उससे ज़्यादा अलाउ नहीं करते हैं यहाँ के हाउस ओनर। और दूसरी एक बात मैं बता दूँ, यहाँ के मोस्टली जो रेंटल फ्लैट्स होते हैं उसके अंदर हाउस ओनर बहुत कम रहते हैं। हाउस ओनर जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग में वो रेंट नहीं लगाते हैं, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है। जनरली जिसमें रेंट वो लगाते हैं उसमें वो खुद नहीं रहते, तो वो ओनर फ्री बिल्डिंग होती है, इसलिए वो आप इजीली रह सकते हैं। लेकिन कभी आपको अगर ज़्यादा लोगों के साथ देख लिया आपको फ्लैट में रहते हुए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और नहीं देखा तो फिर आराम से रहो आप। लेकिन हाँ, आप वीकेंड पे जैसे हो गया, आप अपने दोस्तों को बुलाते हो, बात करते हो, रहते हो, खाते पीते हो, तो वो अलाउ रहते हैं, उसमें कोई आपको कुछ रोक टोक करने नहीं जाएगा। चलिए ये हो गया यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात, प्लस कुछ खर्चे की बात हमने आपको बता दी। अब दूसरे टाइप के लोग वो रहते हैं, एक तो हमने आपको बता दिया कि सारा अरेंजमेंट आप खुद ही करेंगे, खुद ही लाएंगे सारा ग्रोसरीज और खाना बनाएंगे खाएंगे, तो आपको 5,000 से 6,000 पर हेड आपको खर्चा आएगा अगर 3 बंदे 2 BHK के फ्लैट में रहते हैं ग्रुप में। तो अब अगर आप मान लीजिए कि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप खाना बना सको, या फिर आप बाहर काम करते हो, जॉब करते हो, आप थक जाते हो काम करते करते, तो फिर आपके पास उतना टाइम बचेगा नहीं, तो फिर क्या करोगे, दूसरा ऑप्शन होता है या तो आप बाहर होटल में खा लोगे, या फिर आप मेड या फिर कुक आप हायर करके रख लोगे जो कि आपके लिए खाना बना देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बाहर अगर आप खाना खाते हो तो
तो बाहर अगर खाना खाओगे तो मान लो आपका 5,000-6,000 रुपये आपका घर पे खर्चा हो रहा था खुद से बनाने में, तो उस पर 5-6 हज़ार और ऐड कर दो तो आपका 12,000 रुपये आपके बाहर खाने में आपके खर्चे हो जाएंगे पर मंथ के। रेंट वगैरह वो अलग है, ये सिर्फ खाने पीने की खर्चे की मैं बात कर रहा हूँ बेंगलोर में पर हेड का, अगर आप बाहर खाते हो पर मंथ। और अगर आप मान लीजिए घर पे ही खाना बनवाते हो, कुक रख लेते हो, तो उसका खर्चा अलग होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे जो कुक जो चार्ज करते हैं, ऐसा नहीं हमारे तरफ होता है कि हमने एक मेड रख लिया या फिर कुक रख लिया, वो आई घर में अपना सबका खाना बना करके चली गई, मंथली 2,000-3,000-5,000 जो भी है हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे पर हेड के हिसाब से कुक चार्ज करेगा। जैसे कि मान लीजिए आपके फ्लैट में 3 बंदे रह रहे हैं, तो 3 बंदे के लिए आपको 2,000-2,000 रुपये पर हेड करके वो चार्ज करेगा, या फिर 2,500-2,500 रुपये या फिर 3,000-3,000 रुपये वो आपको चार्ज करेगा पर हेड करके। जितने भी बंदे रहेंगे उतना उसका वो चार्ज बढ़ते जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ जो कुक मान लीजिए आप खाना बनाने के लिए रखेंगे, तो सारा अरेंजमेंट सारी ग्रोसरीज वो आपको पहले से ही प्रिपेयर करके ला करके रखनी पड़ेगी। जैसे कि सब्जी वगैरह है, या फिर आपको चिकन बनाना है, या फिर आपको राइस है, जितनी भी चीज़ें हैं सब आप ला करके पहले रख दीजिए। वो आएगा जस्ट बनाएगा, साथ में जो भी बर्तन वगैरह होगा तो वो धुल करके वो चला जाएगा, बस इतना ही काम रहता है उनका। अगर नहीं रखे रहेंगे तो जो भी रहेगा वहाँ पर उसको बना करके वो चला जाएगा, उसका काम ख़त्म। तो ये खर्चे आ गए एडिशनल खर्चे। तो आपको अगर हम मिनिमम खर्चे की बात करें बैंगलोर में, इनिशियली 1 लाख तक आपको यहाँ पे रहने के लिए सेटअप करने में खर्चा आ जाएगा, जिसमें आप रेंट के लिए फ्लैट लेंगे, उसके बाद फिर उसका सेटअप लगाएंगे, जैसे कि बेड वगैरह लगाना, फ्रिज वगैरह लगाना, गैस चूल्हा पूरा सेटअप लगाना, 1 लाख रुपया आपको मिनिमम खर्चा आ जाएगा स्टार्टिंग में यहाँ पे फ्लैट हायर करने में, रेंट पे लेने में। उसके बाद फिर मंथली खर्चा की बात करें तो आपका आ गया पर मंथ आपका 15,000 का आपका रेंट आ जाएगा, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है, आपका इंटरनेट बिल भी हम जोड़ देते हैं, अप्रोक्सीमेट खर्चा ओल्ड बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो इतना आ जाएगा। उसके बाद फिर खाने पीने का आप पर हेड मान करके चलो मिनिमम खर्चा अगर हम जोड़ेंगे तो 8,000 रुपये पर मंथ आ जाएंगे। तो ये खर्चे हो गए बैंगलोर में लिविंग के, जो कि फ्लैट में रहते हैं जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनका इतना खर्चा आता है मिनिमम। कोई अगर न्यू बिल्डिंग में अगर फ्लैट लेता है तो ऐसे ही सेटअप वाले फ्लैट में, न्यू बिल्डिंग है तो उसकी आपको पता है कि न्यू बिल्डिंग रहेगी, उसका फिट एंड फिनिश अच्छा होगा, उसके अंदर जो कवर्स होंगे वो अच्छे होंगे, और उसकी जो फ्लोरिंग होगी वो अच्छी होगी, उसका जो इंटीरियर होगा वो अच्छा होगा, तो उसका जो रेंट है, जैसे कि इसका आपका 15,000 रेंट लग रहा है, तो उसका 25,000-30,000 रुपये रेंट लगेगा 2 BHK का। और डिपॉजिट की बात करें उसके, तो आपको 1 लाख से 1.5 लाख तक डिपॉजिट जाता है न्यू बिल्डिंग का। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। पीजी से रिलेटेड जो वीडियो है, पीजी में अगर रहने वाले का क्या खर्चा आता है बैंगलोर में, उससे रिलेटेड वीडियो हम दूसरे कभी किसी दिन में अपलोड कर दूंगा। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।